तो देश में एनडीए यानी कि राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। बुधवार शाम को ही एनडीए की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को दोबारा नेता चुन लिया गया। इस तस्वीर को जरा देखिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जदयू के नेता नीतीश बाबू और टीडीपी के चंद्र बाबू दोनों ही साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते दो बार के मुकाबले इस बार हालात बिल्कुल जुदा हैं। 2014 और 2019 में जहां बीजेपी ने अकेले अपने दम पर अपने बूते ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था, तो वहीं इस बार बीजेपी खुद बहुमत से दूर है। हालांकि बीजेपी 2014 और 2019 में भी अपना बहुमत होने के बावजूद सहयोगी दलों के साथ ही सरकार चला रही थी, और अब देखिए तस्वीर कुछ ऐसी बनी है कि सहयोगी दलों का साथ अब बीजेपी के लिए बहुत अहम हो चुका है, क्योंकि बीजेपी के पास 240 सीटें ही हैं, यानी कि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी 32 सीटों पर कम है। लेकिन एनडीए की कुल ताकत 292 की हो गई है, यानी कि बहुमत से 20 ज्यादा है। एनडीए की अगर बात करें तो इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरे नंबर पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, जिसमें 16 सांसद जीत कर आए हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश बाबू की पार्टी जदयू है, जिनके 12 सांसद जीते हैं, और ऐसे में नायडू और नीतीश बाबू के सांसद मिलाकर 28 हो रहे हैं। और यह आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि एनडीए की सरकार बनी रहने के लिए दोनों का साथ नरेंद्र मोदी के लिए कितना जरूरी हो जाता है। हालांकि एनडीए की बैठक के बाद सामने आई ये तस्वीर ये भी बता रही थी कि अभी तक दोनों ही बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। तस्वीर फिर से देखिए, लेकिन दोनों ही नेताओं की अगर बात करें तो उनके रिश्ते नरेंद्र मोदी के साथ खट्टे मीठे और उतार चढ़ाव भरे खूब रहे हैं। अभी तक का सफर देख लीजिए। एक वक्त था जब नीतीश कुमार को यह डर था कि नरेंद्र मोदी उनके वोटर्स को नाराज कर सकते हैं, और इसीलिए 2009 की याद करें तो लोकसभा के चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने मोदी को प्रचार के लिए बिहार भी नहीं आने दिया था। इसके बाद 2010 के चुनाव हुए, यहां पर नीतीश बाबू ने मोदी से दूरी को बनाए रखा और बिहार में प्रचार नहीं करने दिया गया। यह विधानसभा का चुनाव था। जून 2010 में पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, और उसके पहले अखबारों में एक विज्ञापन छपा जिसमें नीतीश कुमार और मोदी हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे। इससे भी नीतीश कुमार बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। वहीं जब कोसी में बाढ़ आई थी तब भी गुजरात सरकार की तरफ से, तब मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी थे, और उनकी तरफ से भेजी गई राहत की रकम के चेक को भी नीतीश कुमार ने लौटाने का काम किया था, नहीं लिया था। और तो 2013 की बात करें तो ये खटास इतनी हो चुकी थी कि जब बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी को 2014 के आम चुनाव के लिए अपना चेहरा और पीएम पद का प्रत्याशी बनाया गया तो नीतीश कुमार की नाराजगी खुलकर सामने आ गई थी। बीजेपी और जेडीयू का 17 साल का साथ 2013 में टूटा था, और तब इसकी खास वजह नीतीश और मोदी के बीच पटरी का ना बैठना ही माना गया। इसके बाद 2014 में चुनाव में अकेले लोकसभा चुनाव में वे उतरे नीतीश कुमार, लेकिन काफी नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। 2015 में उन्होंने लालू यादव की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, और यहां उन्हें अच्छी जीत मिली और जेडीयू और आरजेडी की सरकार बिहार में बन गई। लेकिन दो साल तक ही ये साथ बना रहा और नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और फिर से वो एनडीए का हिस्सा बन गए। 2019 के लोकसभा चुनाव जब आए तो 19 और 2020 में दोनों नीतीश कुमार ने दोनों ही चुनाव एनडीए में रहकर लड़े और राज्य में सरकार बनाई भी, लेकिन 2022 में उन्होंने फिर से पाला बदल लिया और आरजेडी को साथ लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार का पाला बदलने का सिलसिला थम नहीं रहा था। इंडिया ब्लॉक में अगवा की भूमिका में रहने वाले नीतीश कुमार को लेकर खबर आई कि पीएम पद के फेस को लेकर वे नाराज हो गए हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे या कोई और बनेगा, और बैठक के बीच से ही वो निकल गए थे। बिहार में भी आरजेडी के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने फिर से पलटी खा ली और एनडीए को ज्वाइन कर लिया। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार चर्चा में तब आए हैं जब वे किंग मेकर की वैल्यू के साथ एनडीए में खड़े हुए हैं, और खबर यह भी है कि कई सारी शर्तों के साथ खड़े हुए हैं। वहीं बात अगर चंद्रबाबू नायडू की कर लें तो उनके भी रिश्ते मोदी के साथ उठा पटक भरे और काफी उतार चढ़ाव भरे रहे। 2018 तक नायडू की टीडीपी एनडीए का हिस्सा थी। एनडीए से अलग होने के बाद नायडू की टीडीपी ने 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव तक पेश किया था, हालांकि यह प्रस्ताव गिर गया। और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी और नायडू के बीच कई बार तीखी बयानबाजी तक हुई थी। गठबंधन से अलग होने के कारण पीएम मोदी ने नायडू को यू टर्न बाबू तक कह डाला था। इसके अलावा बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने भी चुनाव के दौरान चंद्रबाबू नायडू पर खूब हमले बोले थे और ये तक कहा था कि चंद्रबाबू नायडू के लिए दरवाजे एनडीए के हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इस पर नायडू ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि 35 साल से वो राष्ट्रीय राजनीति में रहे हैं, लेकिन 4 साल पहले अमित शाह को कोई जानता ही नहीं था,
और उनके लिए इस प्रकार का अभिमान अच्छा नहीं है। इसके अलावा और बयानबाजियां हुई, लेकिन तस्वीर आपको याद होगी, चंद्रबाबू नायडू को खींचकर बैठाने वाली भी आपको याद होगी। 2002 के गुजरात दंगों के बाद नायडू उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा था। 2019 की एक चुनावी रैली में नायडू ने यह भी कहा था कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने उनका इस्तीफा मांगा। इसके बाद कई देशों ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो एक बार फिर से अल्पसंख्यकों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चंद्रबाबू नायडू ने कहा। हालांकि 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जब शिकस्त चंद्रबाबू नायडू को मिली तो उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने एनडीए में वापसी की खूब कोशिश की, लेकिन तब बयानबाजी से मोदी इतने नाराज थे कि वो उनका साथ किसी कीमत पर पसंद नहीं कर रहे थे। हालांकि चुनाव के एन पहले मार्च में टीडीपी भी एनडीए के साथ हो ली और अब तो साथ में एनडीए की सरकार में सहभागिता टीडीपी की भी नज़र आ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या तस्वीर बनकर सामने आती है और क्या नीतीश बाबू और चंद्र बाबू का साथ एनडीए में ऐसे ही बना रहता है, ये तो वक्त ही बताने वाला है।